तो ऐसा मूवी देख ली है तेरी बातों में, ऐसा उलझा जिया रे, मतलब यही यही मूवी का नाम है, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। ये जो इतना लंबा नाम है, ये जाने मेकर्स कैसे सोच लेते हैं, शायद इतना लंबा नाम होने की वजह से ही मूवी की जो खासियत हो सकती थी वो थोड़ा एवरेज रह गई। पहले ही बता दूं भाई, मूवी बिल्कुल एवरेज है और टंग ट्विस्ट वाला हिसाब किया है अपनी मूवी के साथ इन्होंने, जो नाम बड़ी आसानी से लिया जा सकता था और वो नाम इतनी आसानी से नहीं हो पा रहा है लेने में। तो भाई मूवी का कॉन्सेप्ट, भाई मूवी रिव्यू करने वाले हैं, मूवी में आखिर तुम्हें क्या मिलने वाला है बता दिए कि पहले भी एवरेज होने वाली है मूवी, जिसका कॉन्सेप्ट मुझे लगा कि मूवी का जो कॉन्सेप्ट है पूरा किस पे फोकस कराया गया है, शादी के प्रेशर पर फोकस कराया गया है और इसी चीज पर पूरी मूवी घूमती रहेगी। मतलब शाहिद कपूर फिर अपना एक मतलब इस चीज को ऐसे दिखाने की कोशिश करी है कि भाई साहब ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे आप प्रेशराइज नहीं कर सकते और भाई इसी पर पूरी मूवी घूमेगी। शाहिद कपूर फिर इसके लिए कोई सॉल्यूशन निकालेगा जिससे वो गर्ल मिल जाती है और वो उससे शादी कर लेगा ताकि आगे जाके कोई मच मच किच किच वगैरह ना हो और उस प्रेशर को भी वो टॉलरेट कर जाए। लेकिन ये चीज शाहिद कपूर को ईजी लगी और इसके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं मूवी में वो भाई मूवी देख के ही आप लोगों को पता चलेगा। फिलहाल अभी मैं बताऊंगा कि मूवी कैसी क्या होने वाली है, अगर आप इसको देखने का प्लान बना रहे हो या नहीं तो एक आध मिनट रुक जाओ, क्या पता आपको कुछ बच जाए समय या फिर मन हो जाए कि और ज्यादा देखने के लिए। उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो सोचा था कुछ नया कॉन्सेप्ट होगा, कुछ नया देखेंगे, नो डाउट कुछ नया था, बिल्कुल नया था, नया देखा, लेकिन भाई वो हिट करके नहीं गया जिस हिसाब से इन्होंने ट्रेलर रिलीज करा था और ट्रेलर से जो एक्साइटमेंट इन्होंने जनरेट करी थी, जो प्रॉमिस करके गए थे कि भाई मूवी में कुछ अच्छा मिलेगा आपको, लेकिन अच्छा तो मिला पर उतना अच्छा नहीं मिला जिस हिसाब से इन्होंने एक्साइटमेंट रेज कर डाली थी। एज यूजुअल कृति सनन और शाहिद कपूर भाई इनसे कोई नाराजगी नहीं है, इन्होंने अपना फुल एफर्ट डाला है और जबरदस्त इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है। कहीं ना कहीं कमी लगी भाई साहब स्टोरी प्लॉटिंग में और स्टोरी राइटिंग जिस हिसाब से करी गई है भाई वो दमदार नहीं लगी, क्योंकि वो हिट करके नहीं गया जबरदस्त तरीके से, है ना। विदाउट लॉजिक अगर देखेंगे तो ठीक है समझ में आएगी, लेकिन कितना समझ में आएगी, क्योंकि अभी तक हमने इतना ज्यादा एक्सपीरियंस कर लिया है, इससे रिलेटेड बहुत सी ऐसी मूवीज देख ली है, हॉलीवुड ने इतना सारा कॉन्टेंट डाल दिया है जो दिमाग में कहीं ना कहीं आके भाई इस चीज को डिस्टिंग्विश यानी अलग थलग कर ही देता है कि भाई ये आपका चूतिया काट रहे हैं और ये है असली मुद्दा। तो वही चीज इस पे थोड़ा सा मामला मजा नहीं आया, दैट्स वाई कि भाई उतना हिट करके नहीं गई है मूवी। दूसरा भाई मूवी को ऐसा लगा कि खींचा जा रहा है और फर्स्ट हाफ से ही ये चीज नोटिस होने लगी कि यार कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि खींच रहे हैं ये। वो हिट मतलब जो पेस बनना चाहिए था स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो पेस बनते नजर नहीं आया। ऐसा इसलिए भी हुआ हो सकता है, ट्रेलर में बहुत कुछ इन्होंने दिखा दिया था और वही चीजें इस पे जब हो रही थी तो प्रिडिक्शन जो एक्सपेक्टेशन होती है वो इजिली क्रैक हो गया, दैट्स वाई कि भाई उतना हिट नहीं करके गया। अगेन मैं कहूँगा थोड़ा सा इमोशन डालने की कोशिश करी कहाँ सेकेंड हाफ में, तो वो भी अच्छे से हिट करके नहीं गया। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि भाई प्लॉटिंग में जिस हिसाब से प्लॉटिंग हो सकती थी, थोड़ा डायरेक्टर की जो डायरेक्शन हो सकती थी दमदार, उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है। थोड़ा टिपिकल फैमिली ड्रामा डालने की कोशिश करी है, मतलब एक बार के लिए जो 90s वाला एनवायरनमेंट होता था फैमिली वाला, जो बॉलीवुड में हम 90s के टाइम पर फैमिली ड्रामा देखने को मिलता था, लेकिन भाई वही चीज आप दूसरा ये दिखा रहे हो कि एक साथ सब लोग बैठ के दारू पी रहे हैं, बट उतना एडवांस नहीं है जितना इन्हें होना चाहिए आज के हिसाब से, और आप वो वाला एनवायरनमेंट सेट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें भी अलग थलग करती हैं भाई साहब। रियलिटी पे आप उतना फोकस नहीं कर रहे हो, फिक्शनल दिखाने की कोशिश कर रहे हो, दैट्स वाई कि भाई वो चीज पकड़ में आई, और जब पकड़ में आएंगी तो फिर मजा खराब हो ही जाएगा। तो मूवी एवरेजली कहूँ तो वन टाइम वॉचेबल है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही बेकार है, नहीं है, मजा भी आएगा, जाओ देखो भाई मजे लो, बाकी हमने देख लिया है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।